किशोरी के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, पास्को एक्ट के तहत मामला हुआ पंजीबद्ध। जिले में एक बार फिर मानवता को तार तार करने वाला शर्मसार मामला सामने आया है, जहां युवक ने किशोरी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। हम आपको बता दें कि किशोरी ने आरोपी के डर से अपना मुंह बंद रखा, लेकिन धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होने के चलते परिवार के लोगों को जानकारी हुई तो किशोरी को लेकर प्रयागराज उपचार कराने पहुंच गए, जहां चिकित्सकों ने बताया कि किशोरी के पेट में 6 माह का गर्भ पल रहा है। घटना की जानकारी लगते ही परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता पर दबाव बनाकर पूछताछ किया तो वो पीड़िता ने बताया कि उसके साथ 6 माह पहले किसी युवक ने खेत में दुष्कर्म किया था, किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके चलते वह अपना मुंह बंद कर रखा था। जानकारी लगते ही परिजन जवा थाना लेकर उसे पहुंचे, जहां जीरो में कायमी कर घटना स्थल अतरैला थाना क्षेत्र का होने के चलते मामले की डायरी अतरैला थाने को भेजी गई है, जहां पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी अशरफीलाल कहार लुक्का गांव का रहने वाला है, जिसके खिलाफ दुष्कर्म एवं जान से मारने की धमकी और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में शिव कुमार वर्मा एडिशनल एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। एक 16 वर्षीय बच्ची आई थी जब थाने में रिपोर्ट करने अपने परिजनों के साथ में, और उसने बताया कि 5-6 माह पहले जब वो शौच के लिए गई थी, तब उसके ही समाज के एक व्यक्ति ने, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है, उसके द्वारा उसके साथ ये घटना घटित की गई थी, जिसके कारण से वो गर्भवती थी। 5 महीने का उसको गर्भ था। उसके बाद परिवार के साथ मिलकर उसने रिपोर्ट की, तो फिर उसके द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।